जो 2 अप्रैल का आंदोलन हम लोगों ने किया था, उस आंदोलन में लगभग 13 नौजवान साथी हमारे शहीद हुए थे और हजारों की तादाद में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों पर इस मनुवादी शासन प्रशासन ने मुकदमे लगाने का काम किया था। तो उन लोगों को लेकर के हमारी सरकार से 10 सूत्रीय मांगे थीं, जिनको लेकर के हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे 11 अगस्त का प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। परंतु साथियों, बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मनुवादी विचारधारा की सरकार ने हमारा जो प्रोटेस्ट था, उसकी जो हम लोगों ने परमिशन डाली थी, वो परमिशन निरस्त कर दी, कैंसिल कर दी। ये कह करके कि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त में दिल्ली में इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करा जा सकता, और बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने लगाई उसमें और हमारी जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी। साथियों, यहाँ कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी सरकार है, ये अपनी मानसिकता दर्शाती है कि हम आज भी दलितों को उनके हक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है ये सरकारें। परंतु साथियों, मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये जो चिंगारी आप लोगों ने हमारे 13 नौजवान शहीद करके जो लगाई है, वो चिंगारी अब आग बन चुकी है और वो पूरे देश में फैल रही है। तो ये सरकार अब समझ ले कि दलित अब चुप नहीं रहेगा, दलित अब अपने हक अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका जो उदाहरण है वो 2 अप्रैल के आंदोलन से सरकार ले ले। सरकार समझ ले कि अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, अब हम अपने हक अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम अपने हक अधिकार हलक में हाथ डाल करके भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ें बेहद ही दुखपूर्ण हैं और आज और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो सरकार ने जो मानसिकता दिखाई है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे बहुजन समाज पर पड़ता है और हम लोगों पे भी, कि हम लोगों ने एक आंदोलन का आह्वान किया और वो आंदोलन हम लोगों को नहीं करने दिया गया। कहीं ना कहीं ये इस सरकार ने दिखाया कि हम लोग आज भी जो है अपने हक अधिकारों से वंचित रह सकते हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता है, उसका दूसरा उद्देश्य ये था कि आज हम लोग दिल्ली प्रदेश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जो कि रजिस्टर्ड है, उसकी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ की जो कार्यकारिणी है, उसको गठित करने जा रहे हैं। इसलिए भी ये प्रेस वार्ता बेहद गंभीर हो जाती है। और इसका जो तीसरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य मेरे समाज के युवाओं को एक संदेश देना है। इस प्रेस वार्ता के इस माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मैं अपने बहुजन युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आज के समय में कुछ लोग भड़कीले भाषण दे करके समाज में जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, ये अम्बेडकरवाद नहीं है। बात करते हैं अम्बेडकरवाद की, तो अम्बेडकरवाद स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर टिका हुआ है, जो कि आज इस दशा में कहीं हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हमारे जो युवा हैं, जो मुश्किल से 17-18 या 20-22 साल की जो उम्र के युवा हैं, उनको बम बनाने का काम करते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उनको कहीं भी फोड़ देते हैं। अपने आप चेहरा बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मुद्दे हमारे यथावत पड़े रहते हैं। आज भी देख लीजिए, मुद्दे हमारे जो के तो हैं, लोग नेता बन गए, अभिनेता बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी होगी। अम्बेडकरवाद का मतलब किसी जाति विशेष को गाली देना नहीं है, किसी धर्म विशेष को उंगली उठाना नहीं है। अम्बेडकरवाद एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पैदा करना है। तो मेरे युवाओं से मेरी अपील है कि अम्बेडकरवाद को जाने, समझें, पढ़ें, तब जा कर के अपनी बुद्धि से सोचें और किसी के भी साथ लगें। साथियों, आज देखता हूँ, बहुत दुख होता है कि गांव-गांव के बाहर एक जातीय बोर्ड लगा हुआ है, द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव,
बेहद ही दुख होता है जब हम बात करते हैं बहुजन समाज बनाने की, तो क्या जाति से बहुजन समाज बन सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे युवाओं से, मेरे बहुजन समाज के लोगों से, क्या जाति से वास्तविकता में बहुजन समाज बन सकता है? अब तक हम लोग क्या करते थे, अब तक हम लोग इस जाति का विनाश करने पे तुले हुए थे, इस जाति को ख़त्म करने की बात करते थे। हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, लेकर के ज्योतिबा फुले से लेकर के साहूजी महाराज तक, लेकर के बाबा साहेब से लेकर के माननीय साहब काशीराम जी तक, किसी ने जाति को अपने सर माथे पर लगा करके नहीं चले। कोई भी जितने भी हमारे महापुरुष हुए, किसी ने भी जाति को महत्व नहीं दिया। परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे युवा जातिगत बोर्ड लगा करके अपने आप को लिखते हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट फलाना, द ग्रेट डिगड़ा। ये तो बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक हम लड़ते थे समता के लिए, आज हम ही लोग जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। बात करते थे हम मनुवादियों की, आज हम लोग भी मनुवादी हो गए हैं। क्योंकि मनुवाद मेरी नज़र में इसको कहते हैं कि जो जन्म के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त करता है वही मनुवाद है। हम लोग अगर अपने आप को द ग्रेट लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है। तो साथियों, ये अम्बेडकरवाद नहीं है। अम्बेडकरवाद को पढ़िए, समझिए, और जो लोग आपको जातीय आधार पर भटकाने का काम करते हैं उनको समझाने का काम करिए कि ये अम्बेडकरवाद नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग, आप अम्बेडकरवाद की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग समाज में घूम रहे हैं, समाज के अंदर एक डर पैदा हो गया है। डर ये पैदा हो गया है कि जहाँ हमारा समाज अल्पसंख्यक है, वहाँ हमारे समाज के साथ आज इतनी दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़नाएं हो रही हैं कि जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। बहुत ही डरा हुआ, बहुत ही सहमा हुआ हो रहा है। हाल ही में जहाँ पे सब्बीरपुर घटना हुई थी, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ जाकर के मैंने लोगों से पूछताछ की। वहाँ के जो लोग थे अपने आप में बहुत डरे हुए, सहमे हुए थे। ये तो उद्देश्य नहीं हमारा किसी को डरा करके जीना। हम अम्बेडकरवादी की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा की बात करते हैं, तो क्या यही हमारी विचारधारा है? साथियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको आप समझें। और एक सच्चा और अच्छा अम्बेडकरवादी बन करके निकले। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ किसी भी गांव में, आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे लोग लिखवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, किस प्रकार का देश बना रहे हैं? क्या ऐसे यही बाबा साहेब के सपनों का भारत था? मुझे नहीं लगता कि ऐसा बाबा साहेब कभी सोचते भी होंगे। अगर वो बाबा साहेब कभी जाति को लेकर के चलते, जिसकी हम लोग बात करते हैं, बाबा साहेब के हम अपने आप को अनुयायी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी उन्होंने कभी जाति को प्रमोट भी किया है। परंतु आज हमारे युवा पता नहीं किस धुन में हैं। कोई आया, दो चार भड़कीले भाषण दिए और हमारे जो युवा हैं वो बहक जाते हैं और कहीं भी खड़े हो जाते हैं और मुकदमे लगवा लेते हैं। साथियों, इस तरीके से मैं आपसे बता दूं, लगभग बहुत ज़्यादा हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो आज के समय में अनपढ़ हो चुके हैं, पढ़ लिख करके भी अनपढ़ हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे लग चुके हैं। आज के समय में वो किसी काम के नहीं। साथियों, समझने की आवश्यकता है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है, इसकी हम लोग परमिशन लेंगे, और जब तक प्रशासन हम लोगों को परमिशन नहीं देता तब तक हम लोग इस काम को नहीं करें। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं दलितों को, मुस्लिमों को दबाने का काम कर रही है इस देश में। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सरकार के साथ ज़बरदस्ती करें और सरकार हमारे बच्चों पर किसी भी प्रकार से मुकदमे लगवा दे। क्योंकि मैंने मुकदमे झेले हैं, मैंने जेलें काटी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज के किसी भी बच्चे का किसी प्रकार से भविष्य खराब हो। हमारे समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति है, बेहद ही गरीबी है। साथियों, हमारे समाज के माँ बाप, बच्चों के माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मजदूरी करके पढ़ाते हैं, अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं, तसले ढोकर के पढ़ाते हैं, और वो बच्चा प्रोटेस्ट में जाता है, किसी भी तरीके से जाता है, तो उस पर मुकदमा लग जाता है। उस बच्चे के जो माँ बाप होते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है, मैं समझ सकता हूँ।
यह स्थिति मैं समझ सकता हूँ साथियों, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो। सारी चीज़ें संवैधानिक दायरे में होंगी, कानून के दायरे में होंगी। जब तक बाबा साहेब का संविधान जिंदा है, बाबा साहेब का संविधान है, तब तक हम लोग संविधान के दायरे में रह करके काम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि संविधान के विपक्ष कोई काम हो, संविधान का उल्लंघन हो, जिससे बाबा साहेब की आत्मा को किसी प्रकार से दुख पहुँचे। आज यही था कि जो 11 अगस्त को हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सरकार ने हम लोगों को परमिशन नहीं दी, वो परमिशन कैंसिल कर दी हमारी। और अब ये जो प्रोग्राम है, हम लोग बेहद जल्द इसको थोड़ा समय लेकर के बड़े लेवल पे बेहद ही विस्तार रूप से करेंगे, ताकि ये देश, पूरा देश, ये पूरी सरकार देखे बाबा साहेब कलम के पुजारी थे, उन्होंने कभी तलवारें नहीं उठाई। और मैं भी अपने युवकों से कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई वैचारिक है, तलवारों की हमारी लड़ाई नहीं है, बंदूकों की हमारी लड़ाई नहीं है। बाबा साहेब अगर कभी तलवार से, या हमारे महापुरुष कभी तलवार से, बंदूकों से लड़ाई लड़ते तो कितना परिवर्तन कर सकते थे। साथियों, हम लोग अहिंसा के पुजारी हुए हैं, हम लोग तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो हमें उनकी विचारधारा का अनुसरण करना चाहिए। और हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार से हमारे समाज के बच्चों को मुकदमे लगे, तो इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाया है। और बेहद जल्द हम लोग इस प्रोटेस्ट की आप लोगों को डेट सुनिश्चित कर देंगे। और ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 मुद्दे रखे थे। वैसे तो 10 सूत्रें मांगे थी, परंतु मुख्यतः हम लोग 3 मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे थे कि जो 2 अप्रैल के मामले में हमारे 13 नौजवान युवक इस मनुवादी शासन प्रशासन ने गोलियों से मारे हैं, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनको दी जाए, उनके घर परिवार वालों को। दूसरा, उनकी जो हत्यारोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा हो। और जो आज तक हमारे नौजवान साथी, जैसे मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में विकास मेडियन और रामशरण आज भी जेल में है साथियों, कोई व्यक्ति उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। मुझे दुख होता है कि किसी के लिए जेल भरो आंदोलन तक होते हैं, और वो जो वहाँ पे पड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं होता, कोई उनको देखने के लिए नहीं आता। क्योंकि मैं भुक्तभोगी बैठा हूँ, मैं हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूँ। ठीक है साथियों, तो इन लोगों को लेकर के, और जो समाज पे, जो पढ़े लिखे नौजवानों पे सरकार ने हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में फर्जी मुकदमे लगाने का जो काम किया था, वो मुकदमे तत्काल वापस हों, इन चीज़ों को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो इस सरकार ने परमिशन दी, कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमिशन फिर से लेंगे। और इस बार बड़े पैमाने पे हम लोग जन समर्थन के साथ दिल्ली में कूच करेंगे, ताकि सरकार को दिखा सकें कि भैया अब दलित समाज जो है जाग चुका है, अब वो अपने हक अधिकार छीन सकता है। अब मांगने से नहीं मिलेंगे, हम लोग मांगेंगे नहीं इस बार हम लोग छीनने का काम करेंगे। और साथियों, मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ, देखिए बाबा साहेब कहा करते थे कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो मैं अपने बहुजन समाज के युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहेब की 4 चीज़ों पे आप लोग चलें, जो उन्होंने कही थी कि एक तो आप शिक्षा में किसी से कम ना रहें, शिक्षा हमेशा उच्च स्तरीय प्राप्त करें, जो भी मैं हर जगह कहता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अपना किसी भी प्रकार की अय्याशियों में ना पड़े, क्योंकि साथ ही अय्याशियाँ हमारे लिए नहीं बनी हैं। हमारा समाज आज भी बेहद दयनीय स्थिति में है, गड्ढे में है, उसका हाथ पकड़ करके हम लोगों को ऊपर निकालना है, उसको मुख्य धारा में जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, बाबा साहेब ने कहा था कि अपने समाज को जागरूक करने का काम करें, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि और कोई दूसरा व्यक्ति आप लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा आता है तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को भ्रमित करने के लिए आता है, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। चौथा आप अपने समाज से नेतृत्व पैदा करें, अपना नेतृत्व पैदा करें, और वो नेता पैदा करें साथियों जो आप लोगों की बात कर सके, वो नेता पैदा करना ना करें जो 5 साल में एक बार आता हो शकल दिखाने के लिए, और वो फिर 5 साल के लिए पता नहीं कौन से बिल में बढ़ जाता है। ऐसा नेता पैदा ना करें, जो आपके बीच का हो वो नेता पैदा करें, जो आपके मुद्दों की बात करता हो वो नेता पैदा करें। तो साथियों, यही मुख्य चीज़ें थी आज हमारे, इनका क्या नाम है, एस पी चंद्रा जी को आज हम लोग दिल्ली की कमान सौंपने जा रहे हैं। और हम इनसे आशा करते हैं
कि भाई ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो कि रजिस्टर्ड हो चुका है, उसका उसका जो मोटिव है, जो संगठन का जो हमारा मोटिव है कि सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और आर्थिक क्रांति, ये तीन मोटिव हमारे इस असामाजिक सॉरी राजनीतिक अराजनैतिक संगठन के हैं। तो इन मोटिवों पे मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि ये काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज को नई दिशा दिखाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रूव करने की कोशिश करूँ। जहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा प्राणी ना तो आज तक इस देश में जन्मा है और ना कभी जन्म ले सकेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि जितना योगदान उनका नॉट ओनली एक समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति उन्होंने अपना डेडिकेशन, पूरी लाइफ उन्होंने डेडिकेट कर दी, जीवन भर पढ़ते रहे और समाज को दिशा दर्शन मार्गदर्शन करते रहे। आज हमारा समाज जिसको दलित समाज कहा जाता है, अगर वो कुछ परसेंट तरक्की कर पाया है तो ये आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। हमारे समाज में जो कुछ बदलाव आए हैं ये उनकी देन है। उन्होंने भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार दिए उनकी बदौलत हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पाते हैं, एडमिशन्स पाते हैं, प्रमोशंस में उसके अलावा हर जगह जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने हमारे समाज के प्रति इतना संघर्ष किया कि इतना कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश के ही नेता थे, वो खाली एक समाज के नेता नहीं थे, बहुजन समाज के, पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। उन्होंने जीवन भर पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करते रहे और उसको जो है समाज में वितरित करते रहे। बाबा साहब अंबेडकर उनके हमारे समाज के प्रति तीन मूल मंत्र जो उन्होंने दिए, पहला कि शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो, तीसरा संघर्ष करो। तो मेरे ख्याल से तो अभी हम पहली स्टेज भी पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जो हमारा समाज है, हमें देखने को मिल रहा है कि जो पहला मूल मंत्र है बाबा साहब का शिक्षित बनो, तो अभी वही मूल मंत्र उनका पूर्ण रूप से नहीं हो पाया पूरा। संगठित होना उसके बाद की चीज़ है और संघर्ष करना उससे भी बाद की चीज़ है। तो मैं अपने समाज से ये दरख्वास्त करता हूँ, युवाओं से ये दरख्वास्त करता हूँ, बच्चों से, पेरेंट्स से, गार्जियन से, सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। शिक्षित बनाने का मकसद खाली यही नहीं है कि हम सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, मेरा मतलब नौकरी ही करें, ऐसा ये मोटिव नहीं होना चाहिए। शिक्षित बनना इंसान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अशिक्षित प्राणी, अशिक्षित आदमी आज के युग में अनपढ़ गंवार जिसको कहा जाता है, वो एक जानवर के समान ही समझो। डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन नेट पे हो रही है, तो हमारा अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा? इसलिए शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने समाज के युवाओं से और बच्चों के गार्जियन से, माता पिता से, कि वो जो हैं सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, शिक्षा पे जोर दें। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हमें इस समाज में रहने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, मैं उनका और बहुत मेरा पूरा परिवार, हम उनके ठोस अनुयायी हैं। हम बाबा साहब के अलावा और किसी भी
देवी देवता हुए या कुछ हुआ ऐसा मैं समझता हूँ। मैं किसी को इस तरह से नहीं पूछता हूँ जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूछता हूँ। जय भीम, जय भारत। एसपी चंद्रा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।